अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 10 जनवरी, सी 12 मार्च, डी 20 अगस्त। सही उत्तर है 8 मार्च। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? ए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, बी प्रधानमंत्री जन धन योजना, सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, डी आयुष्मान भारत योजना। सही उत्तर है आयुष्मान भारत योजना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? ए बिहार, बी पंजाब, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। सही उत्तर है ओडिशा। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर निम्न में से क्या है? ए 132, बी 137, सी 139, डी 131। सही उत्तर है 139। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? ए रहमत शाह, बी हशमतुल्लाह शाहिदी, सी राशिद खान, डी मोहम्मद नबी। सही उत्तर है हशमतुल्लाह शाहिदी। निम्न में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए घाना, बी केन्या, सी आइवरी कोस्ट, डी माली। सही उत्तर है आइवरी कोस्ट। हाल ही में किस देश ने COVID-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया? ए चीन, बी रूस, सी न्यूजीलैंड, डी जापान। सही उत्तर है न्यूजीलैंड। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? ए 20 करोड़ रुपए, बी 80 करोड़ रुपए, सी 70 करोड़ रुपए, डी 50 करोड़ रुपए। सही उत्तर है 50 करोड़ रुपए। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल में स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? ए HDFC बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी देना बैंक, डी SBI बैंक। सही उत्तर है HDFC बैंक। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? ए नेपाल, बी रूस, सी जापान, डी म्यांमार। सही उत्तर है म्यांमार।